स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर। आप सभी को सुबह का नमस्कार। इस वीडियो में हम कवर करेंगे नवीनतम केंद्रीय मंत्रिपरिषद की जो भी नियुक्तियां हुई हैं 7 जुलाई 2021 के, तो उस सभी को हम कंप्लीट इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आपके सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है आपका कैबिनेट मंत्री। तो कैबिनेट मंत्री कौन कौन से हैं उनके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले आते हैं नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं। राजनाथ सिंह, ये रक्षा मंत्री हैं। अमित शाह जी गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री। तो ये पूछा जाता है कि सहकारिता मंत्री कौन है। अभी रिसेंटली CGL का एग्ज़ाम आता, उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन। फिर आते हैं नितिन गडकरी, सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री। ये CPO के अंदर पूछा गया कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री कौन है, तो ये निर्मला सीतारमण। ऐसे जो की पॉइंट होते हैं, जो मंत्रालय काफ़ी चर्चा के अंदर नहीं होते हैं, और बड़ा कोई मंत्री अगर वो मंत्रालय उसके पास है, तो ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। फिर है नरेंद्र सिंह तोमर, ये कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्री हैं। जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं। अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया है। पीयूष गोयल जी हैं वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं। उपभोक्ता मामले भी ये देखते हैं। खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली और कपड़ा मंत्रालय भी इनके पास है। फिर कहते हैं धर्मेंद्र प्रधान, ये शिक्षा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं। प्रहलाद जोशी के पास है संसदीय कार्य मंत्री, और कोयला और खनन का मंत्रालय प्रहलाद जोशी के जी के पास है। फिर अगर नेक्स्ट की देखें तो प्रहलाद जोशी तक हमने देख लिया। नेक्स्ट आपका नारायण राणे, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं। सर्वानंद सोनोवाल, जहाज रानी, जलमार्ग एवं आयुष मंत्री हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। गिरिराज सिंह, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये नगरीय उड्डयन मंत्री हैं। इस्पात मंत्री का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है इनको। नेक्स्ट अश्विनी वैष्णव, रेल संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। पशुपति पारस, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत, जल शक्ति मंत्री हैं। किरण रिजिजू, कानून एवं न्याय मंत्री हैं। राजकुमार सिंह, विद्युत नवीकरण और ऊर्जा के मंत्री हैं। हरदीप सिंह पुरी है, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। मनसुख मांडविया, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रासायनिक एवं उर्वरक मंत्री हैं। नेक्स्ट आपके भूपेंद्र यादव, पर्यावरण वन श्रम एवं जल वायु मंत्री हैं। नरेंद्र नाथ पांडे, भारी उद्योग सार्वजनिक उद्योग मंत्री हैं। पुरुषोत्तम दास रूपाला, डेयरी पशुपालन मत्स्य पालन मंत्री हैं। जी किशन रेड्डी हैं संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री। अनुराग सिंह ठाकुर है प्रसारण एवं खेल मंत्री। फिर नेक्स्ट की हम बात करते हैं कि आपकी कौन कौन सी और नई नियुक्तियाँ दे रखी हैं। तो यह है आपकी भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। 21 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय चुनाव जीतकर 25 जुलाई 2022 के शपथ के ग्रहण के साथ ही भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति और देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के प्रतिद्वंद्वी यशवंत सिन्हा थे। राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की गिनती कुल 4 राउंड में हुई थी। ये आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति चुनाव में जो वोटों की गिनती वो कितने राउंड में कंप्लीट हुई। 4 राउंड में, इसमें कुल मिलाकर 4,754 वोट पड़े थे। गिनती के वक्त 4,701 वोट वैध और 53 वोट अमान्य पाए गए थे। कुल वोटों की वैल्यू 5,28,491 थी। द्रौपदी मुर्मू के को कुल 2,824 वोट मिले, जिनकी वैल्यू 6,76,803 थी। यशवंत सिन्हा को कुल 1,877 वोट मिले, जिनकी वैल्यू 3,80,170 थी। द्रौपदी मुर्मू प्रतिभा पाटिल के बाद भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के बेदापोसी गांव में हुआ था एवं संथाल समुदाय। ये देखो इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि हमारी प्रधान राष्ट्रपति वो कौन से समुदाय से बिलोंग करती हैं, तो संथाल समुदाय से ताल्लुक़ रखती हैं। इनके पिता का नाम स्वर्गवासी बिरची नारायण टुड्डू एवं पति का नाम स्वर्गवासी श्याम चंद्र मुर्मू है।
फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं इनमें इम्पोर्टेंट, इन्होंने रमा देवी महिला कॉलेज भुवनेश्वर ओडिशा के कला से स्नातक की पढ़ाई की है। यह वर्ष 1997 में भाजपा में शामिल हुई और राय रंगपुर नगर पंचायत की पार्षद के रूप में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। भाजपा के टिकट पर रायपुर सीट से 2 बार की विधायक रह चुकी हैं। द्रौपदी मुर्मू 2000 में ओडिशा सरकार में वाणिज्य और परिवहन मंत्री राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनी थी। ओडिशा की विधानसभा में उन्हें वर्ष 2007 में सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह वर्ष 2015 से 2021 तक झारखंड की राज्य की पहली राज्यपाल भी रही हैं द्रौपदी मुर्मू जी। अब नीचे बात करते हैं कि जो अभी 5 राज्यों के चुनाव कंप्लीट हुए थे उनके बारे में, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, 403 सीटें, ये क्वेश्चन बार बार पूछा था। सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें किस राज्य में हैं, तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश। लोकसभा सीटें भी और राज्यसभा सीटें भी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर ही हैं। चुनाव चरण कितने चरणों में हो, ये क्वेश्चन अभी हाल ही में एक एग्जाम में पूछा गया था। 7 चरणों में कंप्लीट हुई। अभी जो आपकी दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल की एग्ज़ाम हुई थी मिनिस्ट्रियल की, उसके अंदर ये पूछा गया था कि दिल्ली उत्तर प्रदेश में चुनाव कितने चरणों में कंप्लीट हुआ, और भारतीय जनता पार्टी ने 255 सीटें जीती। सेकंड नंबर पंजाब का 177 सीटें हैं, कितने चरण में, एक चरण में। आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, 92 सीटें जीती। झारखंड 70 सीटें थी, चुनाव एक चरण में हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने 47 सीटें जीती। गोवा में 40 सीटें, एक चरण में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने 20 सीटें और सरकार बनाई। मणिपुर में 60 सीटें, 2 चरणों में चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी ने 32 सीटों के साथ सरकार अपनी बना ली है मणिपुर में। तो 8 जनवरी 2022 को निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर के लिए विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की। 10 फरवरी से मतदान शुरू हुए और 10 मार्च को नतीजे घोषित किए गए। इस वीडियो में हमने देखा केंद्रीय मंत्रियों की इम्पोर्टेंट नियुक्तियाँ। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अब कवर करते हैं इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट, कौन कौन सी नई अपॉइंटमेंट हुई हैं। संवैधानिक पदाधिकारी देखते हैं, राष्ट्रपति हैं हमारे द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर के, उपराष्ट्रपति हैं जगदीश धनखड़ 14वें नंबर के, प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी 15वें नंबर के। फिर आते हैं न्यायिक नियुक्तियाँ कौन कौन सी है कि मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के DY चंद्रचूड़ 50वें नंबर की, ये इम्पोर्टेंट नियुक्ति अभी अभी हुई है। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया RK वेक्टर रमन 16वें हैं, सॉलिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता हैं, अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधीश के आदर्श कुमार गोयल हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं संसदीय प्रमुख कौन कौन से हैं, तो राज्यसभा के सभापति हैं, जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति भी होता है। उप सभापति राज्यसभा के हैं हरिवंश नारायण हैं, महासचिव राज्यसभा के प्रमोद चंद्र मोदी, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा के अभिरिक्त स्थान है इनका, नेता राज्य सत्ता पक्ष के राज्यसभा के पीयूष गोयल हैं, अध्यक्ष लोकसभा के 17वीं के ओम बिरला 17वीं, और नेता विपक्ष लोकसभा के कौन है, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के, महासचिव लोकसभा के हैं उत्पल कुमार सिंह। फिर नेक्स्ट देखते हैं निर्वाचन आयोग की नियुक्तियाँ। निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं राजीव कुमार, ये 25वें नंबर के हैं। चुनाव आयुक्त हैं, अन्य जो चुनाव आयुक्त हैं वो हैं अनूप चंद्र पांडे, राजीव कुमार पूर्व वित्त सचिव थे ये। उप चुनाव आयुक्त हैं अजय भादु, RK गुप्ता, उमेश सिन्हा और संदीप जैन। निरंतर महालेखा परीक्षक केग, नियंत्रण महालेखा परीक्षक केग के हैं गिरिचंद्र मुर्मू 14वें हैं, महालेखा नियंत्रक CGA भारती दास 27वें। सशस्त्र सेना प्रमुख कौन कौन से हैं, तो सर्वोच्च सेनापति हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। वायुसेना के अध्यक्ष हैं VR चौधरी 27वें नंबर के। नौसेना अध्यक्ष हैं R हरि कुमार 25वें नंबर के। थल सेना अध्यक्ष हैं मनोज पांडे 29वें नंबर के। CDS ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। तो ये इम्पोर्टेंट है जो अभी नियुक्ति हुई नई CDS पद के ऊपर, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी की। फिर है महानिदेशक सैन्य ऑफ अभियान के लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि सचिव एवं सलाहकार कौन कौन से हैं, तो कैबिनेट सचिव हैं राजीव गौबा, सलाहकार प्रधानमंत्री तरुण कुमार, प्रधान सचिव प्रधानमंत्री के हैं PK मिश्रा, रक्षा वित्त सचिव हैं गार्गी कौल, और विदेश सचिव हैं विनय मोहन क्वात्रा।
ये हैं आपके सचिव और सलाहकार। फिर हम बात करते हैं आगे कौन कौन से हैं सचिव सलाहकार। गृह सचिव है अजय कुमार भल्ला, वित्त सचिव हैं आपके टीवी सोमनाथन, रक्षा सचिव हैं गिरधर अरमाने, राजस्व सचिव हैं संजय मल्होत्रा, राष्ट्रीय सलाहकार हैं अजीत डोभाल जी, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं विक्रम मिश्री, मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं अनंत नागेश्वर, ये इम्पोर्टेंट है, जनवरी में इनकी नियुक्ति हुई थी, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के अजय कुमार सूद। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो आपकी जांच एजेंसियां इम्पोर्टेंट उनके प्रमुख कौन कौन हैं। तो गुप्तचर एवं जांच संगठन के प्रमुख कौन कौन हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं CVC केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के सुरेंद्र एन पटेल, विशेष निदेशक केंद्रीय जाँच ब्यूरो CBI के हैं प्रवीण सिन्हा, निर्देशक केंद्रीय जाँच ब्यूरो CBI के हैं सुबोध कुमार जायसवाल, मुख्य सूचना आयुक्त CIC के हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा, ये 11वें बनाए गए हैं, निर्देशक इंटेलिजेंस ब्यूरो IBA के हैं तपन कुमार डेका, प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो के हैं सामंत कुमार गोयल, महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIE के हैं दिनकर गुप्ता, निर्देशक प्रवर्तन निदेशालय ED के हैं संजय कुमार मिश्रा, महानिदेशक नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो NCB के हैं सत्य कुमार प्रधान। फिर हम बात करते हैं जो अर्धसैनिक बल हैं उनके प्रमुख कौन कौन हैं, तो सबसे पहले महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल SSB SS थाउसेन, महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल BSF के पंकज सिंह, महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के CRPF के हैं SL थाउसेन, ये दोनों सेम है आपके SSB और CRPF के। फिर बात करते हैं CISF के सीलवर्धन सिंह, फिर महानिदेशक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के हैं MA गणपति, फिर आते हैं निर्देशक विशेष सुरक्षा समूह SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप अरुण कुमार सिन्हा, फिर हम भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस IDPP के अनिल दयाल सिंह, फिर NCC यानी कि राष्ट्रीय कैंडिडेट कोर के गुरपील पाल सिंह 34वें बनाए गए हैं, भारतीय तटरक्षक बल ICG के हैं VS पठानिया 24वें नंबर के, फिर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF के मृणालिनी श्रीवास्तव हैं, फिर रेलवे सुरक्षा बल सेवा RPSF का नाम बदल के आजकल RPSF कर दिया है RPFS यानी कि रेलवे सुरक्षा बल और सेवा संजय चंद्र हैं, महानिदेशक असम राइफल के हैं प्रदीप चंद्र नायर। यह कंप्लीट हुई अर्धसैनिक बलों के प्रमुखों की बात। फिर हम देखते हैं कि प्रमुख आयोगों के सचिव और अध्यक्ष कौन कौन हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अध्यक्ष नीति आयोग के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उपाध्यक्ष नीति आयोग के सुमन कुमार बेरी, ये इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना, अभी ये एग्ज़ाम में आया कौन सी में, रिसेंटली एग्ज़ाम लगा था एक AWTPO उसके अंदर पूछा गया था। CEO नीति आयोग के कौन हैं, परमेश्वर अय्यर, अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग UPSC के डॉक्टर मनोज सैनी, अध्यक्ष 21वें विधि आयोग के बलवीर सिंह चौहान, अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग के हैं रेखा शर्मा 9वें नंबर की हैं, और अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के हैं भगवान लाल साहनी, अध्यक्ष कर्मचारी चयन आयोग के हैं SSC के S किशोर, और अध्यक्ष सातवें वेतन आयोग के हैं अशोक कुमार माथुर। ये हैं आपके अध्यक्ष और सचिव प्रमुख आयोगों के। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट बच जाते हैं, अध्यक्ष लोकपाल के हैं प्रदीप कुमार मोहंती, अध्यक्ष 15वें वित्त आयोग के हैं NK सिंह, ये इम्पोर्टेंट है NK सिंह जी, अध्यक्ष भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के हैं अशोक कुमार गुप्ता, अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के हैं हर्ष चौहान, अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति SC और ST विजय संपाला, अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अरुण कुमार मिश्रा 8वें हैं, अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के हैं प्रियंका कानूनगो, अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। फिर नेक्स्ट भारतीय समिति प्राधिकरण बोर्ड के अध्यक्ष, तो अध्यक्ष एवं CEO रेलवे बोर्ड के विनय कुमार त्रिपाठी, अध्यक्ष भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड SEBI के हैं माधवी पुरी बुच, CEO केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के CBFC रविंद्र भाकर, अध्यक्ष नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के जुल्फिकार हसन, अध्यक्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष कर CBDT के हैं नितिन कुमार,
अध्यक्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क के CBIC के विवेक जौहरी, चेयरमैन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के NDDB मनीष शाह, अध्यक्ष कंपनी कानून गो कानून बोर्ड CLB के MS मित्तल कुमार, अध्यक्ष पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस नियामक के PNGRB के दिनेश केशराव, अध्यक्ष भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष हैं PD वगैरह। फिर नेक्स्ट है आपके CEO भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, यानी कि आपके आधार के CEO कौन है? सौरभ गर्ग। भारतीय महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त हैं विवेक जोशी। अध्यक्ष लोक लेखा समिति के अधीरंजन चौधरी। अध्यक्ष प्राकलन समिति के गिरीश बापटा। अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के हैं अलका उपाध्याय। फिर हम बात करते हैं जो आपकी महारत्न कंपनियां हैं 12, उनके प्रमुख कौन कौन हैं? तो आपके प्रमुख हैं आपके NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के गुरदीप सिंह, प्रमुख तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC के राजेश के श्रीवास्तव, निर्देशक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के सेल के सोमा मंडल, निर्देशक गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के गेल के हैं ऊपर वाले सेल के थे सॉरी गेल के संदीप के गुप्ता, निर्देशक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL के श्रीकांत माधव, निर्देशक कोल इंडिया लिमिटेड के हैं प्रमोद अग्रवाल, निर्देशक भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के BPCL के अरुण कुमार, निर्देशक भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BHEL के हैं नलिन सिंह, निर्देशक हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL के हैं पुष्प कुमार जोशी, निर्देशक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के हैं के श्रीकांत, निर्देशक पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC के हैं रविंदर सिंह ढिल्लो, निर्देशक ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC के हैं विवेक कुमार देवागन। फिर है प्रमुख सार्वजनिक अध्यक्ष एवं सह प्रबंधक निर्देशक कौन कौन हैं, तो ये भी देख लेते हैं। निर्देशक भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के हैं PK पवार, अध्यक्ष भारतीय विमान एवं प्राधिकरण AAI के संजीव कुमार, अध्यक्ष भारतीय पर्यटन विभाग ITDC के हैं संबित पात्रा, निर्देशक महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTL के सुनील कुमार, यह है MTL के अध्यक्ष और निर्देशक। नेक्स्ट कुछ और हैं तो ये निर्देशक नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के हैं PK गुप्ता, इंजीनियरिंग लिमिटेड के हैं EIL के वर्तिका शुक्ला, निर्देशक है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी के नालको श्रीधर पात्रा। फिर है नेक्स्ट है निर्देशक ऑयल इंडिया OIL के हैं रंजीत रथ, निर्देशक भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL के हैं MEV गौतमा, निर्देशक हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL के हैं R माधवन, निर्देशक नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NMDC के हैं सुमित देव, निर्देशक राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के RINL के हैं अतुल भट्ट, निर्देशक शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SCI के हरजीत कौर जोशी, निर्देशक नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन के हैं NLC राकेश कुमार। फिर नेक्स्ट है जो शिक्षण संस्था हैं उनके प्रमुख कौन कौन हैं, तो उनके प्रमुख के बारे में बात करते हैं तो थोड़ा सा और इसको ऊपर करते हैं। अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के हैं S जगदीश कुमार, कुलपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के IGNOU के प्रोफेसर नागेश्वर राव, कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय के योगेश सिंह, कुलपति जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU के शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित, फिर कुलपति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के VHU के राकेश भटनागर, कुलपति नालंदा विश्वविद्यालय के डॉक्टर विजय भटनागर, कुलपति नालंदा विश्वविद्यालय के सुनैना सिंह, कुलपति जामिया मिलिया इस्माइलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के हैं प्रोफेसर नजमा अख्तर, और निर्देशक राष्ट्रीय शैक्षणिक सुरक्षा अनुसंधान परिषद प्रशिक्षण के NCERT के दिनेश कुमार सकलानी, अध्यक्ष केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के निधि छिब्बर, ये अभी आया BSF जो RM की एग्ज़ाम हुई है उसके RM के एग्ज़ाम के जो सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर आया था ये केंद्रीय
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE निधि छिबर वाला क्वेश्चन। फिर है अध्यक्ष साहित्य अकादमी चंद्रशेखर काबरा, अध्यक्ष संगीत नाटक अकादमी शेखर सेन, अध्यक्ष ललित कला अकादमी उत्तम परछने। फिर आते हैं नेक्स्ट आपके प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख कौन कौन हैं, तो अध्यक्ष प्रसार भारती के हैं डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश, CEO प्रसार भारती के मयंक कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा प्रेस राहुल इम्पोर्टेंट है, अध्यक्ष भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्था के शेखर कपूर, महानिदेशक आकाशवाणी के एन वेणुधर रेड्डी, अध्यक्ष प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के PTI के हैं अवि सरकार, अध्यक्ष यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के हैं विश्वास त्रिपाठी, अध्यक्ष इंडिया न्यूज़ पेपर सोसाइटी INS के राजा प्रसाद रेड्डी हैं। फिर है नेक्स्ट आपके वैज्ञानिक अनुसंधान संगठन के प्रमुख कौन है, अध्यक्ष इसरो कौन है A. सोमनाथन दसवें ये इम्पोर्टेंट है, अध्यक्ष परमाणु आयोग AEC के हैं कमलेश नीलकंठ व्यास, फिर अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के हैं AERB जी नागेश्वर राव, निर्देशक भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क अजीत कुमार मोहंती, अध्यक्ष रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के प्रमुख है समीर वी कामंत। फिर है महानिदेशक वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के प्रमुख हैं नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, अध्यक्ष औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद की टी रामास्वामी, निदेशक विकास साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के हैं डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। ये कंप्लीट हुए आपके वैज्ञानिक संगठन अनुसंधान के प्रमुख। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं खेल संगठनों के प्रमुख कौन कौन है, अध्यक्ष राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के हैं ग्रे बार्कले न्यूजीलैंड से, CEO अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के हैं जोसेफ एलाडिस, प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक ICC के हैं इंदिरा नुई, अध्यक्ष एशियाई क्रिकेट परिषद के हैं ACC के जेसा, अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक IOC के थॉमस बाक जर्मनी से हैं, अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय एथलेट महासंघ के सेबास्टियन को ब्रिटेन, अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के IWF के मोहम्मद जलूद, अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के हैं सैफ अहमद मिस्त्री, अध्यक्ष हैं विश्व स्वकेस फेडरेशन WFSF जेना वोल्डरी इंग्लैंड के हैं, अध्यक्ष फीफा के हैं जियानी इन्फेंटिनो इटली के स्विट्जरलैंड से हैं, तो ये फीफा वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया है, अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के हैं लवलीना बोरगोहेन, अध्यक्ष भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के BCCI के रोजर बिनी 36वें, CEO भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के हेमांग अमीन, मुख्य कोच भारतीय क्रिकेट टीम के राहुल द्रविड़ और मुख्य कोच भारतीय महिला टीम के रमेश पवारी दोनों इंपॉर्टेंट हैं। फिर है महानिदेशक भारतीय खेल प्राधिकरण के नीलम कपूर, अध्यक्ष भारतीय कुश्ती फेडरेशन के हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, अध्यक्ष अखिल भारतीय टेनिस संघ के हैं AITA अनिल जैन, अध्यक्ष अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ के हैं कल्याण चौबे, अध्यक्ष वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के हैं अच्युत सामंत, अध्यक्ष अखिल भारतीय शतरंज संघ के हैं संजय कपूर, अध्यक्ष हॉकी इंडिया के हैं दिलीप टार्की ये इंपॉर्टेंट है अभी नए बने हैं ये, अध्यक्ष भारतीय एथलेटिक फेडरेशन के हैं आदिल सुमरीवाला, अध्यक्ष भारतीय मुक्केबाजी संघ के हैं BFI के अजय सिंह, अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ के IOA आदिल सुमरीवाला, फिर कप्तान भारतीय महिला हॉकी टीम की सविता पुनिया, अध्यक्ष भारतीय बैडमिंटन संघ BAI के हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, अध्यक्ष भारतीय भारोत्तोलन महासंघ IWF के सहदेव यादव और अध्यक्ष भारतीय पैरालंपिक समिति IPC के दीपा मलिक। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि बीमा संस्थाओं के प्रमुख कौन कौन हैं, तो सबसे पहले IRDA यानी भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण, देवाशीष पांडा अध्यक्ष भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड के हैं MR कुमार, फिर प्रबंधक निर्देशक जीवन बीमा निगम LIC के हैं BC पटनायक, अध्यक्ष जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ GIC के हैं देवेश श्रीवास्तव,
सीएमडी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अतुल सहाय, निर्देशक ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के एम एन राजेश्वरी, निर्देशक यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के हैं एस एल त्रिपाठी, अध्यक्ष नेशनल इंश्योरेंस कंपनी एन आई सी एल के हैं तजिंदर मुखर्जी, एम डी एम सी ओ एस बी आई जनरल इंश्योरेंस के किशोर कुमार पोलुदासु। फिर आर्थिक वाणिज्य संस्थाओं के प्रमुख कौन है, महानिदेशक फिक्की के हैं अरुण चावला, अध्यक्ष हैं फिक्की के संजीव मेहता, अध्यक्ष हैं एसोचैम के सुमन सिन्हा, महासचिव हैं एसोचैम के सौम्य सौरभ सान्याल, अध्यक्ष हैं भारतीय उद्योग परिसंघ के आर दिनेश, अध्यक्ष हैं इफको के हैं दिलीप संघानी, चेयरमैन नास्कॉम के हैं कृष्ण नायर रामानुजम और प्रेसिडेंट नास्कॉम के कौन हैं देवजनी घोष। फिर हैं भारतीय यूनिट ट्रस्ट के हैं लियो पुरी, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडिया के हैं विक्रमजीत सहनी, अध्यक्ष नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के हैं आशीष कुमार चौहान और अध्यक्ष बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के हैं एस मुद्रा। फिर हैं बैंकों के प्रमुख अधिकारी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, ये 25वें नंबर के हैं। उप गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के टी रवि शंकर, एस राजेश्वर, महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा और मुख्य वित्तीय अधिकारी आरबीआई के सुधा बालकृष्णन। सार्वजनिक बैंकों के एमडी और सीईओ कौन है, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा, भारतीय स्टेट बैंक सीएफओ के हैं चरणजीत सिंह अतरा, भारतीय स्टेट बैंक प्रबंधन निदेशक हैं स्वामीनाथन जानकी रमन। फिर अश्विनी के तिवारी, आलोक कुमार चौधरी चल्ला, श्रीनिवासो शेट्टी। बैंक ऑफ बड़ौदा के हैं संजीव चड्डा, बैंक ऑफ इंडिया के हैं अतनु कुमार दास, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के हैं एस एस राजीव, केंद्रा बैंक के हैं लिंगम वेंकट प्रभारा। फिर नीचे है आपके कुछ और इम्पोर्टेंट, केंद्रा बैंक के हैं लिंगम वेंकट प्रभाकरा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के हैं एम डी और सी ओ हैं मातम वेंकट राव, इंडिया बैंक के हैं शांतिलाल जैन, इंडिया ओवरसीज बैंक के हैं एम डी और सी ओ अजय कुमार श्रीवास्तव, पंजाब नेशनल बैंक के हैं अतुल कुमार गोयल, पंजाब एंड सिंध बैंक के हैं स्वरूप कुमार साहा, यूको बैंक के हैं सोमा शंकर प्रसाद और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एम डी हैं ए मणि मेखलाई। फिर है नोट, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रखा है इसमें। तो नोट 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक बैंकों के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक बैंक की क्षेत्र के बैंकों की संख्या 12 हो गई। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में, आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक में और ओरिएंटल बैंक का ऑफ कॉमर्स का यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में और सिंडिकेट बैंक का विलय केंद्रा बैंक में, विजय बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट कुछ संस्थाओं के प्रमुख और उनके सीईओ थे और कुछ इम्पोर्टेंट जो अपॉइंटमेंट थे वो सभी हमने इसमें कवर कर लिए। कुछ इम्पोर्टेंट और फैक्ट इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। तो ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे, तो 2022 के 73वां गणतंत्र दिवस हमने मनाया, इस बार कोई नहीं आया था और थीम क्या थी, इंडिया एट द रेट 75। सर्वोच्च झांकी किसको पुरस्कार मिलता, ये उत्तर प्रदेश की काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की झांकी थी। 2021 में बैतूरा मनाया था, कोई नहीं आया था क्योंकि कोविड था उस वक्त, और 2020 में गेतरवा था, उस वक्त ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोलसोनारो आए थे। और ये इम्पोर्टेंट है कि भारत के नोटों के पीछे रंग और उनके पीछे किसका चित्र है, तो जो 10 रुपये का नोट है उसके पीछे चॉकलेट ब्राउन कलर है उसका और कोणार्क का सूर्य मंदिर बना हुआ है, 20 रुपये के नोट के पीछे हरित पीला है, एलोरा की गुफा बनी हुई है, 50 रुपये के नोट के पीछे फ्लोरोसेंट ब्लू कलर है, हम्पी का पत्थर के से बना रथ है, 100 रुपये के नोट का कलर कैसा है, लेवेंडर कलर है, रानी का वाव यानी कि ये गुजरात में, 200 रुपये के नोट के ऊपर है ब्राइट येलो कलर है, सांचे का स्तूप बना हुआ है, 500 रुपये के नोट का स्टोन ग्रे कलर है और लाल किला बना हुआ है, और 2000 रुपये के नोट पे मजेंटा कलर है उसका,
और उसका बना हुआ मंगलयान बना हुआ है। तो इस वीडियो में हमने जितनी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट थी वो सभी कवर कर ली हैं। आप इतनी भी पढ़ के जाओगे तो आपका काम हो जाएगा एग्ज़ाम के अंदर आराम से। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना मत। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। ओके बाय।